बाबा महाकाल की नगरी में कई ऐसे सितारे हैं जो अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। ऐसे ही एक पुनीत नाम के युवक ने लोगों का दिल जीत लिया है। यह अभी तक 5 इंटरनेशनल अवार्ड ला चुके हैं। नमस्कार, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट पुनीत कदवाने। अभी हाल ही में बाबा महाकाल, मेरे माता पिता, मेरे परम आदरणीय गुरु डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर और आप सभी के आशीर्वाद से मैंने अपना नाम 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड में सफलतापूर्वक सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है। जैसा कि आप सभी ने भी देखा कि मैंने राई के दाने पर दुनिया की सबसे छोटी राजा विक्रमादित्य की पेंटिंग बनाई थी और इसी के साथ साथ बॉल पेन की नोक पर, शक्कर के दाने पर, चने के दाने पर और चौक के ऊपर भी मैंने कई माइक्रो आर्ट्स में काम किया है और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किए। और जब मेरी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी, जब मैं दीवारों पर पेंटिंग बनाया करता था, घर वाले मुझे तब शुरुआत में मुझे चिल्लाते भी थे, डांटते भी थे, क्योंकि हालांकि सही बात है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो मेरी प्रैक्टिस है उसको बिल्कुल भी कम नहीं किया। मैं पढ़ाई भी करता था लेकिन साथ साथ पेंटिंग के लिए अलग से टाइम निकाला करता था। और जो मेरे गुरु हैं, मुझे बाबा महाकाल का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है कि मेरे गुरु डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर मुझे मिले। मैं उनके सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ शिवका फाइन आर्ट कॉलेज से और इसी प्रकार मैंने मेरे गुरु के आदर्शों पर मैं पालन कर रहा हूँ और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने अपने नाम किए हैं, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, पॉप बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने अपना नाम सफलतापूर्वक दर्ज किया है। और इसी के साथ मैं दावा करता हूँ कि मैं जल्द ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के सहित अन्य 5 और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रदेश का, भारत का पहला ऐसा आर्टिस्ट बनूंगा जिसमें मैंने बहुत ही कम समय में 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जी। क्योंकि हमें 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं मुझे, तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि फाइन आर्ट के एक बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र में हमें सहायता मिले। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जैसे नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय और इसी के सहित जितने भी CBSE स्कूल्स हैं, उन सभी में TGT और PGT पोस्ट के लिए कम से कम 2 फाइन आर्ट टीचर की जॉब प्रोवाइड की जाए, जिससे फाइन आर्ट का ये जो क्षेत्र है ये और दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ते ही जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे उज्जैन में जितने भी गवर्नमेंट म्यूजियम्स हैं जैसे त्रिवेणी संग्रहालय है और कालिदास अकादमी है, इसमें भी फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स को, फाइन आर्ट करे हुए ग्रेजुएटेड BA MFA से ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि फाइन आर्ट का ये जो क्षेत्र है ये और आगे बढ़ता जाए और उज्जैन का नाम दुनिया के उस सबसे ऊंचे पर्दे पर लहराया जाए। बचपन में तो पुनीत का तो मान के चलो मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्या करेगा बड़ा होकर, बड़ा शैतानी था, है ना, काफ़ी मतलब हम लोग परेशान भी होते थे कि क्या पता नहीं भविष्य में क्या करेगा क्या नहीं। हम कुछ उसको डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन में भी चाहते कि इस लाइन में अपन उसको भेजेंगे, लेकिन कक्षा 9वीं के बाद इसका रुझान कुछ इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में गया। और हम क्या है कि यहाँ 2015-16 में उज्जैन आए थे, यहीं से इसको जो स्कूल में हमने भर्ती किया, तो यहाँ हमारे अभिषेक सिंह तोमर जो इनके गुरु है वर्तमान में, इनसे इनका परिचय हुआ, इन्हीं के स्कूल में मतलब इनके साथ अध्ययन किया और बाद में इनके साथ गुरु चेले का ऐसा संबंध बना कि जो आज जीवंत है और उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहा है और आज आप देख रहे कि मतलब पूरा मतलब इसने पूरे वर्ल्ड में मतलब अपना नाम कमाया है। इससे हमारा मतलब परिवार का भी नाम रोशन हुआ है, उज्जैन नगर का हुआ है और फिर साथ ही मतलब दुनिया का भी नाम, दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। इससे हमें काफ़ी भरोसा है कि ये आगे भी और मतलब अच्छे प्रयास करेंगे और अपना नाम रोशन करेगा।